हाय गाइस, दिस इज यार एंड यू आर वाचिंग वर्क एट अवर जॉब हेल्पफुल फ्रेंड्स। काफ़ी कमेंट्स ऐसे आते हैं मेरे पास, काफ़ी कॉल्स ऐसे आते हैं जो जो है एज में ज़्यादा होते हैं। कहने का मतलब है कि जो 35 से ऊपर, 40, 45, 42, 50, 55 तक वाले जो ही कॉल करते हैं कि सर हम लोगों के पास काम नहीं है, चुपके बेजार मतलब बेकार बैठे हैं, कुछ काम है तो बताइए। वो लोग भी जो है जहाँ फ्री खाना रूम वगैरह जो है वीडियो देखता है ना, तो वो लोग देख के कॉल करता है। तो उन लोगों के लिए एक और अच्छी खुशखबरी वाली बात है, ये आज की ये जो जॉब होने वाली है वो उन्हीं लोगों के लिए होने वाली जो एज में थोड़ा ज़्यादा है, जिनको 30-35 जो है प्राइवेट लिमिटेड में दूसरी कंपनियों से जो है रिजेक्शन मिल जाता है या फिर जहां उनको नहीं लिया जाता है, ये जॉब्स उन लोगों के लिए है। मेरे हिसाब से कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी ऐसी अपॉर्चुनिटी। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को दबा लें ताकि नई नई जॉब की अपडेट्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। और कुछ भी मन में डाउट है तो कमेंट्स करना कभी ना भूले और वीडियो को शेयर करना कभी ना भूले अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनको कुछ हेल्प मिल सके, जॉब के रिलेटेड उनको कुछ मदद मिल सके। तो गाइस, जो होने वाली है 35 से ऊपर, अगर आप 35 के, कहने का मतलब 35 से ऊपर ऐसा नहीं है, 18 साल वाला भी कर सकता है इस जॉब के लिए अप्लाई। 18 से लगाकर 30, 35, 40, 45, 50 ईयर्स तक वालों के लिए ये जॉब्स है, अनपढ़ वालों के लिए ये जॉब है। जॉब होने वाली है सिक्योरिटी लाइन की, सिक्योरिटी गार्ड की, जहां आपको प्राइवेट लिमिटेड्स बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वहां पर आपको जो है एज लिमिट के हिसाब से जॉब नहीं दी जाती है, या फिर आपको हाइट कम होने की वजह से ये जॉब नहीं दी जाती, या फिर कम पढ़े लिखे होने की वजह से जॉब नहीं दी जाती है, तो वो कैंडिडेट्स, वो बंदा, वो जो है आदमी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। जॉब होने वाली है बेंगलोर लोकेशन में है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स है ये। सैलरी इसमें आपको 13,000 स्टार्टिंग में देखने को मिलती है, 13,000 प्लस रूम फ्री। यस, खाली रूम फ्री मिलता है, खाना फ्री नहीं मिलता इसमें, रूम फ्री कंपनी के थ्रू दिया जाता है। प्लस इसमें है कि आपको ओटी मिल जाती, ओवर टाइम मिल जाता है। अब ओटी से याद आया कि काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं जो फैक्ट्री वर्क किए हुए रहते हैं, जो दूसरा काम करके रहते हैं ना, वो लोग क्या बोलते हैं कि सर ओटी कितने घंटे का मिलेगा। तो गाइस, इस जॉब्स में सिक्योरिटी लाइन में जो है ओटी घंटे के हिसाब से नहीं होती है, आपको घंटे के हिसाब से ओटी प्राइवेट लिमिटेड जो फैक्ट्रीज रहती है वहाँ पे आपको देखने को मिलती है कि जो है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ओटी मिला। लेकिन इन सारी जो है वैकेंसीज में, इन सारी जॉब्स में जो है आपको दिन के हिसाब से ओटी मिलती है। अगर आप दिन में ड्यूटी करते हैं तो नाइट में ड्यूटी अगर वापस लगा दिया जाता तो समझ लीजिए आपकी ओटी है। अगर आप नाइट में ड्यूटी करते हैं, दिन में आपको वापस ड्यूटी मिल के नाइट में मिल जाती है, समझ लीजिए आपको ओटी है, ओवर टाइम है। तो कहने का मतलब इसमें ओटी मिलती है 5 से लगाकर 10 तक, 10 दिन 5 दिन आपको ओटी मिलती है, ओवर टाइम मिलता है, जिसके आपको खाने का खर्चा उससे निकल जाता है। तो जो आपका 13,000 दिया जाता है कंपनी के थ्रू, वो आपका सेफ बचता है। प्लस आफ्टर 6 मंथ के बाद कंपनी के द्वारा आपको ESIPF की फैसिलिटीज में रहती है, कई कई कंपनियों में नहीं रहती है लेकिन इसमें रहती है। अगर आप बोलेंगे कि सर मुझे ESIPF नहीं काटना, तो कंपनी आपको वो भी डिडक्ट नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कंपनी जो है ना इतनी अच्छी फैसिलिटी देती है, इतनी अच्छी फैसिलिटी देती है कि कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको देखने के लिए, क्योंकि इसमें जो है यूनिफॉर्म चार्ज आपको आपके अकॉर्डिंग जो है डिडक्ट करती है। मान लो यूनिफॉर्म चार्ज फुल सेट का जूता, शर्ट, पैंट, बेल्ट, कैप मिला के आपका मान लो 2,000 भी होता ना, तो पहले आपको फर्स्ट मंथ पूछती है कि भाई कितना डिडक्ट करूं, कितना काटूं, 500 रुपये, 1,000 रुपये, जितना बोलोगे उतना आपकी सैलरी से यूनिफॉर्म का डिडक्ट करता हूं अमाउंट। आप बोलोगे अगर कि नहीं सर मुझे कुछ काम है, घर में पैसे की ज़रूरत है, नेक्स्ट महीने में मैं डिडक्ट करवाऊंगा, तो वो भी कंपनी आपकी अप्रूवल करती है। मतलब कहने का बहुत ही अच्छी फैसिलिटी वाली है। और जैसा मैंने पहले भी बताया था ना, तो इसमें एज जो है लिमिट कुछ कहीं पे काम आती है ना, जो है पढ़ा लिखा जो है कहीं पे काम आता है ना, इसमें कोई लैंग्वेज काम आती है। आप कौन से भी लैंग्वेज के रहने दो, कितने भी पढ़े लिखे रहने दो, पढ़े लिखे मतलब अनपढ़ भी क्यों ना रहने दो, और 45-50 ईयर्स के भी क्यों ना रहने दो, इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। काफ़ी एक्चुअल रिक्वेस्ट के बाद, काफ़ी जो है हमारे बोलने पर ये कंपनी इस
काम के लिए अप्रूवल दी है। तो गाइस जो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, चाहे वो आउट ऑफ स्टेशन वाले हैं या फिर यहाँ वाले हैं, वो गाइस हम लोग को हाई सर आई एम इंटरेस्टेड इन सिक्योरिटीज जॉब्स करके टाइप करके व्हाट्सएप में भेज सकता है। आपका इमीडिएटली ज्वाइनिंग होता है। अगर आप आ जाते हैं टॉप स्टेशन वाले हैं तो आज रीच होता है तो एक दिन या फिर एक नाइट आपको आराम दिया जाता है, उसके बाद आपको ड्यूटी में ज्वाइन कर दिया जाता है। तो अच्छी फैसिलिटी वाली अच्छी जो है जॉब से है गाइस। वीडियो को शेयर करना कभी ना भूलें। यहाँ कोई चार्ज नहीं लिया जाता है आपको, फ्री में सब कुछ रहता है। फ्री में जो है सब्सक्राइब रहता है, सब्सक्राइब करने का भी आपको कुछ चार्ज नहीं लिया जाता है। घंटी बजाना भी आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाता। जो सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन रहता है ना उसका, प्लस वीडियो शेयर करना भी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। ना ही ज्वाइनिंग फीस, ना ही ज्वाइनिंग चार्ज, ये तो आपको पता ही रहता है। एनी टाइम हम लोगों की तरफ से आपके लिए हाजिर रहती है फ्री जॉब्स, जहाँ पे आपको जो है ना तो हमारे पास कुछ चार्ज लिया जाता है ना आगे कंपनी से जो है आपको कुछ चार्ज लिया जाता है। हाँ कुछ दे सके तो बस एक दुआओं में याद करना, गाना सुनाना, बस दुआओं में याद नहीं करना, वीडियो शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में, कभी ना भूलना है। तो गाइस हम हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी जॉब्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।